तो हम लोगों ने इतना बना लिया था, अब हम लोग इसके आगे जाते हैं और ये सबको ऐड करते हैं दूसरे से, ठीक है। बट इसका प्रोसेस क्या है, इसके पीछे एक थ्योरी है कि आपको वायरफ्रेम कैसे ले जाना है, और वैसे ही ले जाना होता है, आप कोई भी फेस का मॉडल करो, ठीक है। तो वो चीज़ ये है कि नोज के पास से जो ये लाइन आएगा, ये ऐसे चिन पे आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे राउंड पोर्शन में जाएगा। ये लाइन जो यहाँ से आएगा, ये ऐसे रोटेट करके इस पे आएगा, ठीक है। ये चीजें ही फॉलो करना है, ठीक है। सेम इसमें भी ये सबसे लो पॉली है, इसके लिए इसमें उतना परफेक्ट आइडिया नहीं आता है, ठीक है। देन ये कि यहाँ से लाइन आएगा वो इस पे जाएगा, नोज के यहाँ से जो लाइन आएगा वो चीन पे जाएगा। तो हम लोग इन चीजों को ही अभी फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसको चलो ऐड करते हैं। हिस्ट्री पॉलीगन में मेश टूल को बाहर करते हैं एंड सेलेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन, और इसे बाहर करते हैं। फाइल सेव सीनेस, मैंने दो सेव किया है, एक दो और तीन चार, हाफ ऐसे वो डिलीट होने वाला है। मेश कंबाइन मॉडिफाई सेंटर के, अभी इसको जोड़ना है। एज में आओ, एक दो तीन चार, ये चार और पीछे करो। बी से स्टॉप सिलेक्शन ऑन किया, एरिया थोड़ा छोटा गया ऐसा। फिर वर्टेक्स में आकर इसको ये करेंगे और इसको ऐसे पीछे करेंगे, ये चीज, ठीक है। बड़े दूर खुले रहे, बोल दूर लगा। तो ये वेल्ड हो गया है, और अभी क्या करना है, वर्टेक्स मोड से सब फ्रंट में आएंगे, फाइव प्रेस करो और इन दोनों को ऐसे नीचे करेंगे, ये नीचे करेंगे और इसको ऐसे शेप में डालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसको अभी ऐड करना है, एज मैंग एक दो, ब्रिज ऐसा, और हाफ डिलीट कर दो, ठीक है। मतलब हाफ पे ही काम करेंगे ऐसा। फोर प्रेस करो, डिलीट, ठीक है। ये अब ये हाफ है, इसको सिमेट्री कर लो यहाँ पे ही। एडिट क्लिक स्पेशल एंड ये, अभी हम लोग सिर्फ इस पर काम करेंगे, वो ऑटोमेटिक इधर ऐड होते रहेगा। ये लाइन इसमें आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में पहले तो लाइन दे दो, मतलब कि जो ये लाइन है, कंट्रोल बी फ्रैक्शन कम कर ये, ठीक है। एज में आओ, बाद में और भी इसमें चीजें करेक्शन करना है, तो स्टार्ट से वो सब देखते हुए जाएंगे। यहाँ पर ट्रायंगल है, हटा दिया।
इसको आगे किया, इस लाइन को और इस आगे किया, अभी यहाँ पे 3 लाइन है, इसको इसमें ऐड करना है। इंसर्टेड में आएंगे यहाँ पे एक, अब जो इसमें लाइन देंगे वो यहाँ नीचे भी आएगा, ठीक है, इसकी वजह से। एक्सट्रूड वर्टेक्स में आप वी शॉर्टकट है, ठीक है, वैन का वी, उसको प्रेस करोगे और फिर ये स्नैप होगा। स्नैप मतलब क्या होता है, ये मतलब कि इमेज को ऑफ करो, वी प्रेस करके जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये किसी भी वर्टेक्स की तरफ ये मैग्नेट की तरह जाएगा, ठीक है, वी होल्ड करके जब करूंगा उसको ये स्नैप बोलते हैं, ठीक है। वी प्रेस किया और ऐसे ड्रैग किया, इंसर्टेड यहाँ पे एक लाइन देंगे, ये ऑटोमेटिक ट्रायंगल से क्वाड बन गया क्योंकि इसमें 4 वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स में आया, टारगेट हुए, ये लाइन कम करने के लिए किया, इधर एक लाइन और ऐड कर दोगे तो ये अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके बीच में भी लाइन आएगा, सो इसको पीछे लेकर जाते हैं, मतलब कि फेस में इसको डिलीट किया और इसको डिलीट किया, इंसर्टेज में है और इसके बीच में एक लाइन दिए, ठीक है। बट जैसे जैसे यहाँ पे लाइन देंगे यहाँ पे भी आगे बढ़ता जाएगा, तो अभी सबको मैच करना है वर्टेक्स में। आओ ये यहाँ पे आया और इसको ऐसे अरेंज किया, ये ऐसा शेप पे, इसको नीचे करो एंड देन ये हो गया। अभी इसको इसमें ऐड करना है, ठीक है, तो इस लाइन को सेलेक्ट करो जो कि ये कंट्रोल बी से ब्रेक हो गया, 2 हो गया, ठीक है, इसमें ब्रिज अभी इसको प्रॉपर कर देना है, मतलब ऐसा यहाँ पे स्कल्प ज्योमेट्री भी चला सकते हैं, ठीक है, बट इसके बीच में और भी लाइन आएंगी तो उसके बाद स्कल्प चलेंगे, यहाँ बीच में एक ये, ठीक है। और अब अगर आईज और नोज यहाँ पे है तो अब इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग फेस ये और आगे आएगा, इतना एज फेस में इतना एज एक्सट्रूड डब्ल्यू ये वर्टेक्स में टारगेट हुए, ये जो अंदर गया है इसको बाहर निकाल, और इसका ये है और ये चीज भी थोड़ा बाहर आएगा, ये तो ये और ये शिफ्ट के साथ
है, बट वो बहुत अंदर है, इसके लिए हम बाद में वो ये लिस्ट पीछे करेंगे ऐसा। फेस में आप ये सेलेक्ट किया वन, इसको डिसेलेक्ट किया, ये हम लोग रेफरेंस से थोड़ा ऑफ जा रहे हैं, मतलब एडिशनल है ये चीज़ें रेफरेंस में नहीं है। देखो रेफरेंस में ये यहाँ पे, ठीक है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग नोज यहाँ पे आएगा और नोज के पीछे रहता है ये। इंसर्ट इज कंट्रोल बी, सेगमेंट एक ऐड कर दिया बस। जब क्लिक करोगे तो अभी देखो प्रॉपर ऐड हुआ है, ठीक है। और इस पोर्शन में टू वर्टेक्स एडिट डिलीट ऑल वर्टेक्स हिस्ट्री, तो जब भी ऐसा आएगा तो ऑब्जेक्ट वहां पे रहेगा बट मटेरियल मिस कर जाता है। विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपर शेड, नया मटेरियल भी इस पे लगा सकते हो, मैं इसको भी इस पे लगा दूंगा। एक्सट्रूड डब्ल्यू वर्टेक्स टारगेट वेल, ये हो गया। वर्टेक्स सरफेस कर्व ज्योमेट्री कहाँ है ये, रिलैक्स वी इस पे ब्रश चलाओ, डब्ल्यू अभी यहाँ से दो लाइन आ रही है, किसमें किसमें एज ब्रिज, ठीक है, और इसके बीच में भी एक लाइन आएगा बीच में, मतलब कि जो ये लाइन है ऐसे अंदर की तरफ। बी एक्सट्रूड करो डब्ल्यू, इसको स्टार बोलते हैं। अब ये वाले वर्टेक्स को देखो, ये इस वर्टेक्स से 1 2 3 4 लाइन आ गई क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एक और फिर अभी यहां से सेम चीज एक्सट्रूड डब्ल्यू नीचे ले कर रहा हूं और ये इस पे जोड़ना है वर्टेक्स में आओ टारगेट हो गई। ये उल्टा हो गया, मतलब ये इस पे जाएगा और
इस पे ऐसा एक बार ही जुड़ जाएगा, फिर ये परमानेंट शेप में आ जाएगा। उसका आदर कभी नहीं रखना चाहिए ऐसा, जैसे कि जैसे हमेशा अगर देख देख कर बना रहे ठीक है, तो तुमको वो आदत लग जाएगा ऐसा। फिर अगर किसी चीज का नहीं मिला तो तुमसे बनेंगे, अगर आदत लगा तो वो सेकेंडरी ऑप्शन, मतलब जब बहुत ज्यादा भारी चीज हो रहा है नहीं बन रहा है तब, जैसे ट्रेन वाला मशीन जब है ऐसा, नहीं तो वो आदत रखने का ही नहीं स्टार्ट से वीडियो देख कर बनाने का। अभी इसके बीच में एक लाइन और जाएगा ठीक है, पर उसके पहले अभी इसको नीचे लिखा एक्सट्रूड डब्ल्यू यहाँ ठीक है, रेफरेंस से कटोरी इसके से बिठा नहीं देंगे तो फिर फ्रंट से हट जाएंगे ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा खुद से चीजें आ रही हैं, मैं इस इमेज में देखो कैसे है ठीक है, इसको रेफरेंस करके पीछे इंसर्ट यहाँ पे कैसा हुआ, इंसर्ट चेक यहाँ पे और अंदर जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा शेप आएगा ठीक है। और जो जैसे ये मिसमैच कर रहा है तो कोशिश करो फ्रंट से ही फोकस करने का ऐसा, और जितना ज्यादा कम वॉल्यूम में यूज करोगे उतना इजी होगा हैंडल करने के लिए ठीक है। अभी इसको आगे बढ़ाओ, फेज में आओ, ऐसे ऊपर लेकर तो अभी मैं फोटो में थोड़ा चेंजेस करता हूँ, ऐसा अगर मैं ये मैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ ठीक है, तो वो और ये पोर्शन यहाँ पे है, इमेजिन करो एन फॉरवर्ड कैसे जाएगा। ऐसा डिलीट किया मैंने इसलिए ऐसा है, व्यू इमेज प्लेन इंपोर्ट इमेज शो इमेज प्लेन, वो बीच में आता है ऐसा, इसलिए उसको साइड करते हैं, हाइड कर दिया और यहाँ पे वो मैच आता है कि अगर नोज का पोर्शन यहाँ पे है फिर से क्वालिटी जब जाएगा तो ये देखो इससे ऐसा है, ये बहुत पीछे आ गया, हम और आगे करेंगे, रेफरेंस वाला ऑफ कर दो। अब वर्टेक्स में आओ,
ये। अभी तुम्हें यहाँ पे देखना होगा कि अगर हेड नहीं है तो हेड कितना होगा, तो फोटोशॉप नहीं होगा जब ऐसा इमेज आता है तो। ब्लैक पे अभी जस्ट फॉर आइडिया है कि हेड कितना होगा। देखो अभी अगर इसका हेयर नहीं होता तो इसका हेड, और अगर मैं हेयर हटा दूं तो हेड कितना होगा, इतना ही होगा ना। डेट और टाइप हिस्ट्री फाइल सेव सीन है। अभी ये जस्ट फॉर आइडिया कि मैंने जारी कर दिया। वर्टेक्स में आया। अब इसके बीच में यहाँ पे लाइन ऐड करेंगे ऐसा। वर्टेक्स एज सू डब्ल्यू नीचे वर्टेक्स में टारगेट हो रही है, इसको इससे और इसको इससे, तो ये जो ये लाइन यहीं पे ब्लॉक हो गई। ये जब ऐसे आओगे तो ये जो ऐसा अंदर गया है इसको बाहर करना है। उसके बाद इसको यहाँ पे करेंगे देन
अभी ये देखो ऐसा ये हो गया, अभी इस पे अगर ये चला लो, 1 2 3 4 5 6 7 सरफेस कर्व ज्योमेट्री और ये चला है तो इक्वल डिस्टेंस पे चला गया W। अभी फ्रंट व्यू से इसको सिर्फ मैच करा दो, इसको यहाँ पे रखा देखो। अभी इसको बढ़ाएंगे ठीक है। अच्छा ये लाइन यहाँ पे आएगा, अगर तुम्हें याद होगा तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ इसके बीच में एक लाइन आएंगे और वो लाइन यहाँ से आएगा, मतलब कि मल्टी कट में आओ और एक दो W, ये लाइन यहाँ से डिवाइड होगी इसके बाद ठीक है। इसको क्लिक करो ठीक, और इसके बीच में एक लाइन वैसा ये। अब जो ये लाइन है ये आएगा एकदम यहाँ पे इनके पास, इसमें आओ नोज का ये लाइन एकदम चेन के पास आएगा, तो ये कर लो जरा, नोज का ये लाइन है इसको चेन के पास करना है, ये और ऐसे रोटेट करो, ये उस डायरेक्शन में जाएगा, X2W इसको यहाँ पे ऐड करना है, और जब इसको नीचे आओगे तो इन तीनों एज को देख रहा हूँ, और इधर साइड व्यू में ये ऐसे अरेंज करो। और अभी इसके बीच में लाइन लेकर 1 2 वर्टेक्स ओके, इधर से इसको ये कर दो कि ऊपर चला गया, तो वर्टेक्स ना ये सा एंड ये ऐसा ये है ठीक है। अभी इसको जैसे ही 3 फेस करोगे ये ऐसा बनेगा, तो अपना एक्चुअल जो इमेजेस है उसमें देखो वो आया है चीन पे गया है ठीक है, फ्रंट से वैसा है, सारी चीजें सही जा रही है ठीक है। तो बस इसको और ये कर दो, ये चीजें ठीक है, और इसको जोड़ दो ये चीजें यहाँ पे सेपरेट वर्ल्ड, इसको इस पे, इसको इस पे W3 ये चीज ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है, इतने तक पे। उसके बाद यहाँ से बड़ा बड़ा कर इस पे ऐड करेंगे चीजें ठीक है। ये तो अभी आपको ये क्रिएट करना है ठीक है, और फोरहेड का पोर्शन मैं और आगे लेकर जाता हूँ, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये, क्योंकि अब यहाँ पे आईब्रो भी है ठीक है, और एज में आएंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सट्रूड और से एक्सट्रूड ये और ऐसा नीचे, सॉरी इसको थोड़ा कम करो, और यहाँ पे या फिर सबसे बाय डिफॉल्ट जब एक्सट्रूड करने का टाइम यहाँ पे आता है इसको ऐसे ही रहने दो, और इस साइड से ऐसा पीछे करो ये चीज है ये ठीक
और उसके बाद फिर इसका ये तीन वर्टेक्स पकड़ के ऐसा पीछे करो, ठीक है, वर्टेक्स, और इसको ऐसे इस लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करो और इस लाइन को और अंदर की तरफ लो। तो ये थोड़ा सा मेसी चीज है डेफिनेटली, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है। और साइड व्यू से तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, और इसको थोड़ा और आगे कर लो ये, ठीक है, ठीक है। इसमें आओ, वर्टेक्स में फोर प्रेस करो, टारगेट वेल में आओ, ये वर्टेक्स यहाँ पे जाएगा, ओके, दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया ये, ठीक है, और ये यहाँ पे रहेगा। तो अभी अगर तुम गौर से देखो तो इस फेस में कितने वर्टेक्स है, चार है ना, ठीक है। तो जब फ्री करोगे ये ऐसा जाएगा, बट बीच में गैप है, जब उसको फ्री करेंगे तो ये एरिया फ्री हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके बीच में ये लाइन गया, और इस लाइन को ऐसे बाहर की तरफ से निकालो, ठीक है, ये। तो अभी इस रंग के बाद भाषा में काम करने के आदत होना चाहिए ऐसा। और फिर इस एज और इस एज के बीच में शिफ्ट के साथ ब्रिज मारो, तो देखो जुड़ गया ना, ठीक है। तो क्योंकि मॉडलिंग का सबसे डिफिकल्ट काम यही है, ठीक है, इसको ये चीजें ऐड करना, जोड़ना, ब्रिज करो ये W3, देखो वो जुड़ गया नोज, ठीक है, ऐसा। तो अभी इतना इसको फिनिश करो, मतलब इतना इसको ऐड करो, ठीक है। और जैसे ये बाहर है ना, तो ये इसके ऊपर जाएगा, कैसे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे थ्री प्रेस करोगे देखो तुमको यहाँ पे ये ऐसा शेप दिख रहा है, ये सब लास्ट में स्कल्प ज्योमेट्री से प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए ये ओके करना है ऐसा, ठीक है। एक्सट्रूड करो, आर से स्केल करो ये, ठीक है, थोड़ा ये, और उसके बाद वर्टेक्स से, ठीक है, मेश टूल को बाहर किया और टारगेट वेल्ड से इसको यहाँ पे ऐड कर दिया ये, ठीक है, और इसको ऐसे शेप पे डाला ये, और यहाँ पे आएगा थोड़ा ऐसा, ठीक है। ये चीजें, उसके बाद अभी जैसे ये हो गया है ना, देखो एक बार पूरा हो जाता है, ठीक है, जैसे ये बहुत पीछे ये बहुत आगे, एक बार पूरा हो जाएगा तो इसको हमें प्रॉपर शेप में लेंगे, ठीक है। जैसे ये ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है, इसको ऐसे पीछे जाएगा, ये भी चीज पीछे जाएगा, वर्टेक्स में आओ ऐसा। एंड गलती होता है तो होने दो ऐसा, ठीक है। W, ये देखो जो जो वर्टेक्स ऐसे आगे दिख रहा है ना, उसको उसके लेवल पे लिख रहा हूँ ऐसा, ये, ठीक है। अभी हाफ हुआ है, ठीक है, पहले से ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे, ठीक है। एडिट, डिलीट ऑल ओवर टाइम, हिस्ट्री, ठीक है, देखो अब इतना ऐड हुआ, कल ये वाला पोर्शन फिनिश करेंगे तो इसका फेस का फ्रंट पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हेड इसका कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मतलब चेहरे के पीछे का पोर्शन, ये हो गया फ्रंट, ठीक है, कल ये पार्ट खत्म करेंगे। अभी इतना हुआ है, ठीक है। एडिट, डिलीट ऑल बटन, हिस्ट्री, फाइल, सेक्सीनेस, ये हो गया, ठीक है। तो अभी आप लोगों को करना है, और इस रेफरेंस पे ध्यान ना दे, क्योंकि रेफरेंस सिर्फ आइडिया के लिए था कि साइड से कैसा होगा, ठीक है, मगर फ्रंट ये है, ठीक है।